पर सलवात सलाम सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि क्या सुधी दुनिया की मोहब्बत तुम्हारा दिल में राखो अने क्या सुधी दुनिया की बाजी खादा करसो। ये होशियार करते हैं मोमिनो, अपने को होशियार करते हैं। तमे इंसान थया एटले तमारा माथे जन्म अने मरण छे, नहीं कहना मानेंगे तो आपको जन्म मरण में जाना है। और जन्म मरण के जो फेरे हैं, कोई राजा महाराज लख चौरासी ना फेरा फरी हवे तमे इंसान थया। तो लख चौरासी का फेरा कौन सा है? विचार में, पहाड़ में, ही में, हेवान में, गड्ढे में, घोड़े में, हाथी में, इस जन्म में जाना है आपको। ये लख चौरासी की फांसी से छुड़ाने के लिए मौला खुद आए। मौला ने फरमाया कि हमें आसमान ऊपर से आ गया थे, ये तुम्हारो डॉक्टर पणु करवा नहीं आए, पर हमें जो फरमान करिए तेमा तुम्हारा जीव में छोटको थाय, आप छूट जाए, आप बादशाह हो जाए, तमें मारा जेवा था, तमें मारा जेवा था। मंसूर ने कहना मान लिया तो मंसूर ने कहा कि मैं अनधक, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। मंसूर कहता है मैं खुदा हूं। मंसूर को लोगों ने कहा आप ये क्या बोलते हो, आप खुदा का दावा कर रहे हैं? मुझे तो पता नहीं मेरे अंदर से कौन बोलता। मंसूर तो था नहीं ना। फिर शमश मवाब जब महराज हुई और फिर शमश में मौला का पूरा दरिया आ गया, नूर का दरिया आ गया, तो फिर शमश मवाब ने फरमाया हम तो एक साधारण ये एनआईटी पे ये पहली दूसरी क्लास में ये बोलते हैं ना, ये छोटा सा गिना, मगर इसमें क्या है, मेराज है, खुदा की खुदाई है। हक तू पाक तू शमश होता ही नहीं, बोलते हैं कि या मौला हक तू पाक बादशाह तू मेहरबान भी या अली तू ही नहीं। ये जबान से नहीं, ये आत्मा से बोलते, दिल से बोलते, दिल के अंदर इतनी रोशनी, इतना दरिया आ गया कि फरमाते हैं कि हक तू पाक तू बादशाह मेहरबान या अली तू रब तू रहमान तू कौन है? दो चीज नहीं है, एक चीज तू हो जा मेरा सारा संसार। आप मिटे अली पर गटे, आप नहीं होंगे तो होगा, आप पे उठी शान बेसन दीजिए। आप बैठे हुए हैं तब तक मौला कैसा है? आपके दिल में मन राजा बैठा है तो कौन फैला रहा है? आप बोलते हैं मौला को बोलते हैं आओ मौला आओ मौला, मौला कैसे आएंगे? इस मन राजा को आप अपने आप को हटा दो, आप बंदगी में, आप दुआ में, आप इबादत में, आप ऐसा नहीं समझोगे मैं दुआ कर रहा हूं, मैं बंदगी कर रहा हूं। बंदगी भी वही करता, दुआ भी वही करता, बसन भी वही करता। आप कुछ नहीं करते हैं, मैं हलाऊं, मैं चलाऊं, मैं खिलाऊं खान माटी के रे पुतले को, मैं जपाऊं जाऊं कि मैं हलाता हूं, मैं चलाता हूं, मैं खिलाता हूं, मैं पिलाता हूं, रोजी रोजगार सब कुछ मैं देता हूं। हम बोलते हैं हम कमाते हैं, हम बच्चों को खिलाते हैं, हम कमाते हैं, हम खिलाते हैं, हम पिलाते हैं, यही तो हमारी जो है दूरी है, यही दूरी। तू अपने आप को मिटा दे तो फिर तेरे अंदर ये हकीकत रोशन है। वो इलम से होगा, वो नूर की रोशनी से होगा, वो फरमान के हम नजदीक आएंगे जब होगा ना। आप रूहानी इलम में आए, फरमान के अंदर आए, यानी मुर्तजा अली के नूरानी स्वरूप में आए। दो चीज की जरूरत, पहले इलम फिर इबादत। एक अच्छा चला के इबादत करते, दुआ पढ़ते, एक अच्छा चला वो फिलती जो है ना, जो हथे होते हैं ना तो फिर स्ट्रेट जाते, एक अच्छा चले तो गोल गोल घूमती रहती है, गोल गोल। इस तरह हम भी गोल गोल घूमते,
इलम नहीं है और इबादत है। मौला के नजदीक जाते हैं, इलम से दूर जाते हैं। मौला फरमाते हैं मेरे फरमान पर 2 घंटा ख्याल करो, यहाँ से सुनते यहाँ से निकाल दो। मेरे फरमान पर समय विचार करो, रूह क्या थी आवे पाछो, रूह क्या है जिसके कभी ख्याल किया है। दुनिया के एक छोटा बिजनेस करते इसके लिए कितना सोचते हैं, इतना पैसा डालूंगा और इतना खर्चा होगा, इतना दुकान का किराया होगा, इतना आदमी का खर्चा होगा, इतना ये होगा, फिर ये काम करूंगा, फिर इसमें इतना बचेगा, कितना लंबा सोचते हैं। अगर इसमें इतना ही बचेगा तो इतनी मूड़ी क्यों लगाऊंगा। ऐसी जगह पे मैं दुकान हूँ जहाँ मेरी मूड़ी लगे बैंक के प्रॉफिट से ज्यादा मिले। अगर बैंक जितना भी बचा तो भी क्या फायदा मैं सब पूरी करूँ, इससे बेहतर है बैंक में रख। कितना सोचते हैं दुनिया के लिए, तो फिर इसके लिए कुछ नहीं, मौला के लिए कुछ नहीं, रूह के लिए कुछ नहीं। कभी सोचा मारा फरमान बराबर दिल में याद रखो, कितनी ताकीद करते हैं तो मेरे नूर की रोशनी को तुम्हारे दिल में जलवा कर रहने देना, हटाना नहीं। मारा फरमान तमारा दिल में बराबर याद रखो, जरा पण गफलत नहीं करता, भूली नहीं जस। हमें जो फरमान फरमावी छे ते जवाहिर छे, जवाहिर जवाहिर छे। अगर हमारी आंख खुल जावे, इलम में रोशनी हमको दिख जावे, इलम की रोशनी हमको क्यों नहीं दिखती है, तो मौला मुर्तजा अली तो खुदा है ना, तो इसकी फरमान में नूर की रोशनी नहीं है, क्यों नहीं दिखती? सुख नहीं। अब इसकी विटनेस कौन देवे, इसकी खातरी कौन देवे? तो मौला ने फरमाया इसकी खातरी भी मैं देता, साचा सुख नहीं, खातरी पूर्वक नहीं, मेरे मैं इसकी विटनेस देता हूँ। अगर नहीं हो, नहीं मिले आपका सच्चा सुख, तो मेरे को अब पकड़ना, मेरे को बोलना, देखो सच्चा सुख नहीं मिला। साचा सुख नहीं, खातरी पूर्वक नहीं, मात्र एक चावी छे बात, वो है बात। तो पहले इबादत ही हमारी पूरी नहीं होवे, या रेगुलर हम इबादत नहीं करते होवे, तो ये पैराग्राफ पर हम कहां पहुंच सकते हैं। लेकिन इबादत के साथ इलम है, इबादत जो है वो हमको इलम की तरफ ले आती है और इलम से हम जाग सकते हैं। तो ये मौला ने हमको जगाया, यानी हमारे रूह को मौला जागरूक करते हैं, मौला जगाते हैं, मौला उठाते हैं उसको, हाथ पकड़ के उसको ले जाने के लिए मौला ने ये रूहानी इलम में रास्ता बताया कि दिवस मां तमारा दिल ना रूह ने अहवाल पूछो कि अंदर जीव केवी रीते चाले छे। कभी ऐसा हमने किया है? अगर हमारे दिल में हमारे अपने आप पर हमारे रूह पर हमको मोहब्बत होवे और लागनी होवे और हमारे खुद से हमदर्दी होवे तो हम करें ना। लेकिन हम तो दूसरे के लिए हमदर्दी बताते हैं, दूसरे के लिए हमारे लिए हमदर्दी है, पड़ोसी के लिए है, बाहर वालों के लिए है, भाइयों के लिए है, बहनों के लिए है, लेकिन अपने आप के लिए नहीं। तो पहले आप अपने आप की मदद करो, अपने आप को आप देखो। ये इशारा मौला फरमाते हैं कि ये पहला काम है कि तुम्हारा दिल ना रू ने अहवाल पूछो कि अंदर जीव केवी रीते चाले छे। रात दिवस में 2-3 कलाक, ऐसा भी नहीं है कि भाई 10-15 मिनट, 5-10 मिनट, रात दिवस में 2-3 कलाक जीव साथे ख्याल में रही, तेनी साथे वातचीत में रहो। कितला दिवस तुम्हारा दिल ने इबादत वगैरह में राखशो, इसकी निशानी ये मौला ने ये पैराग्राफ फरमाया। और उसका जवाब जो है वो ये है कि कितला दिवस तुम्हारा दिल ने इबादत वगैरह में राखशो,
कि कितने दिन आप अपने दिल को इबादत के बगैर रखोगे, कितने दिन आप अपने आप को दुखी रखोगे, कितने दिन अपने आप को ऐसी हालत में रखोगे जो हमारे रूप की अगर हालत हम देखें, हमारे जीव से हम ख्याल लगा के हम देखें तो हमको पता चले कि हमारा जीव की हालत क्या है, क्या हालत है। ये तो जो तजर्बा करे उसको पता चले। मैं पीरों के हवाले से आपको बोलूं कि हमारे जीव की क्या हालत है। हमारे जीव की ये हालत है कि सत्यवेणी के अंदर फरमाया सुरीजन सार तो जाकर सी, सुरीजन सार तो जाकर सी, जिक्र लेकर दिल में करसी, कि आपकी इबादत होवे। पहली बात तो आपको अंदर से मौला आपको जवाब देवे, सवाल का आपको जवाब देवे कि इसके ख्याल में आपको रहो तो आपको पता चले खुद को क्या जवाब देवे। सुरीजन सा तो जा कर सी जिक्र लेकर दिल में दस, के पहले इसको जिक्र करें। ये इसकी खुराक है, ये इतना बीमार है, इतना कमजोर है कि इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये अपने हाथ से चमची उठा के पानी पियो। जिस तरह एक बीमार आदमी पड़ा हो, कमजोर हो गए और उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो एक चमची उठा के पानी नहीं पी सकता है, कैसी हालत उसकी हो गई, तो हमको उस पर कितनी दया हो गई, हम कितनी उसकी हेल्प करें और हमको अफसोस कितना हो गए। ये कंडीशन हमारे रूप की है, जिक्रों लेकर दिल में दर्शी निस्तिन जमकी पिया का नाम, टेम टेम दिल आवे थाम से। आपको फिर पता चले कि ये दवा पीता रहे मेरा रूह मेरा जीव और इसके अंदर शक्ति आती जाती है। ये आपको खुद को पता चलेगा, ये फरमान पे हम मेहनत करेंगे। एक कला की इबादत जरूरी है रोज की, लेकिन इलम से आप मेहनत करेंगे तो इलम आपको बताएगा कि 3 घंटे की इबादत चाहिए, 3 घंटे, 3 घंटे की इबादत। जिस तरह आत्मा ऐसा दसवन देते हैं, इस तरह रूह की भी दसवन जो है वो 3 घंटा है, 3 घंटा। ये एक यानी एक धर्म की क्रियाओं से हम ऊपर आते हैं। दुआ दर्शन और इबादत के बाद इसकी जो चाहना अपने दिल पर अपने आप पर बढ़ेगी और पड़ोसियों से टूटेगी। पड़ोसी यानी हमारा जिस्म है ना, ये भी पड़ोसी है। अपने आप पर इंसान को पहले से माँ बाप पे प्यार है, बच्चों पर है, भाई बहन पर है और इससे ज्यादा अपने आप पर, अपने आप पर यानी जिस्म पर है और रूह पर नहीं। जब फरमान के अंदर अगर उसको समझ मिली तो ये जिस्म है ना, ये भी पड़ोसी। इस तरह भुज निरंजन जी के अंदर कुछ सदर दिन माँ बाप ने बहुत समझाई कि देखो सखी शानिया देहन को हाल बेहाल, पिया पति जब चिंत चढ़ियो तब मुई संभाल संभाल। कि उसको जिस्म की फिक्र नहीं है, रूह की फिक्र है कि देखो तो सही मेरी सहेलियां, मेरे दोस्त, मेरे बरादर, मेरे बदन की हालत क्या है, लेकिन उसकी परवाह नहीं है मेरे को। रूह की हालत मेरी देखो कैसी अच्छी है, और रूह की हालत अच्छी है तो बदन तो खुद को खुद चलता है, वो तो होता रहता है। लालन मुंकू लाली काली कानी ब्रेन मारी फिरू दीवानी, कि जो आशिक है ना उनकी निशानी है कि ये अपने रूह का आशिक है और इस आशिकाई के अंदर वो दीवाना है अंदर से।
मस्त है। ब्रे की मारी शुरू दीवाने बिन शहादन कहलाए न कोई। पूरे तीन पहाड़े इसमें इतनी रूहानियत है कि सदर दिमाग की ये बुजरी रंजन है। इसके अंदर इतनी हकीकत है कि आप पढ़े तो आपके आंखों में आंसू आ जाए कि इतनी उनको अपने जीव का ख्याल हुआ कि दिन में दो तीन घंटे जब जीव के ख्याल में रहे तो उसको पता चला कि खुराक ज्यादा किसको चाहिए। बदन को खुराक ज्यादा चाहिए या रूह को चाहिए? बदन को खुराक तो समझो इसका खुराक हमारे जिस्म का है कीड़ी जितना है और रूह का खुराक हाथी जितना है। आत्मा माटे बंदगी, आत्मा ने रोहाने खुराक की जरूरत से और अनुसार आत्मा को बहुत जरूरत है। और मूसा पैगंबर की गीना में मिसाल दी पीसादत माँ बाप ने कि वो छह महीने तक इबादत की, छह महीने तक, और छह महीने तक खाना पकाया। मूसा पैगंबर के दर्जे का जीव लेकिन हकीकत का इलम में देखे तो पता चले कि ये छह महीने का खाना ये मछली के लिए एक निवाला है। मछली क्या है, खाना क्या है? मूसा साहेब को मेहमान ही किया, मूसो जाने साहेब मारो आओ से। छह महीने तक पूरा ज्ञान है ये मूसा पैगंबर के लिए, फिर सदर दिन माँ बाप के अपने आत्मा की आवाज से अपने आप को और हमको समझाते हैं कि आप ऐसा नहीं समझे कि हमने एक गंदा इबादत कर ली तो वो बड़ा तीर मार दिया। एक घंटा तो कुछ भी नहीं है लेकिन जो नहीं आता उसके लिए एक घंटा जरूरी है। अर्थ का अनर्थ नहीं करना, नहीं आता है उसके लिए एक घंटा बहुत जरूरी है। लेकिन जो रेगुलर है तीन दुआ दसों और इबादत में और एक घंटे की इबादत में, उसके लिए ये खुराक ज्यादा खुराक इसका ये जो लेसन है ये इससे ऊंचा है कि तीन घंटे इबादत करो। तीन घंटे, तीन बजे उठो, चार बजे तो सब उठते हैं। अगर हम रूहानी इलम वाले भी हकीकत का गिनान सुनकर भी अगर चार बजे उठते हैं तो उसमें और हमारे में क्या फर्क है? हकीकत का इलम आपने सुना और समझ लिया, आप तीन बजे उठो, तीन बजे उठो, तीन से पांच दो घंटा इबादत है और एक घंटा शाम को दुआ के बाद एक घंटा बैठे रहो, एक घंटा दुआ का और एक घंटा इबादत का। कोशिश करो दुआ से एक घंटा पहले आओ अगर आपको टाइम मिलता है। अगर दुआ से पहले नहीं आ सकते हो तो दुआ के बाद एक घंटा बैठ जाओ, तीन घंटा पहले करके देखो, फिर ये पैराग्राफ से अपने आप को, इस पैराग्राफ पे आप अपने आप को देखो कि मैं ये कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होगी, एक घंटे से नहीं होगी, तीन घंटे से हो सकता है कि तुम्हारा दिल ना रू ने अहवाल पूछो कि अंदर जीव केवी रीते चाली थी। ये तो एक खुफिया बात है, एक राज की बात है, एक हकीकत की बात है कि आपके अंदर से आपको पता चले कि मैं क्या हूँ और मेरे रूह को, मेरे रूह की क्या कंडीशन है, ये आपको देखना है। तो ये चीज मौला यहाँ एक रूहानियत में और ऊंचा ले जाना चाहते हैं, इसीलिए ये फरमान मौला करते हैं कि तुम्हारा दिल ना रू ने अहवाल पूछो कि अंदर जीव केवी रीते चाले छे। रात दिवस में बे त्रण कलाक जीव साथे ख्याल में रही तेनी साथे वातचीत में रहो। केटला दिवस तुम्हारा दिल ने इबादत वगर नो रखो, तो कितने दिन आप इसको सिर्फ चाय बिस्किट खिलाते रहेंगे? कभी खाना तो खिलाओ भाई, सुबह में भी चाय बिस्कुट खाओ, दोपहर में भी चाय बिस्कुट खा लो, रात को भी चाय बिस्कुट खा लो,
कितने दिन आपको अच्छा लगेगा। तो दिल चाहिए, साफ दिल चाहिए, पवित्र दिल चाहिए। जिस तरह मौलाना फरमाया कि हवे पची पोताना दिल की करार करो, कि आपके दिल को साफ रखो। हवे पची पोताना दिल की करार करो अने पोताना खुदावन ने दिल मां जगह आपो। आप जगह दो, अगर हम जगह दे दे मौला को तो मौला फिर नहीं मांगे। मौला मांग रहे हैं, मौला चाह रहे हैं कि मैं आपके दिल में आऊं। अभी इन्होंने फरमान पढ़ा, उसमें भी मौला ने फरमाया कि मेरे को आपके साथ रखना। मौला फरमाते हैं आप जहाँ जाओ बैठो उठो मेरे को साथ रखना, मेरे को अलग नहीं करना, मेरे साथ हर जगह पे मेरे को आप साथ रखना। अगर हम साथ रखते हो गए तो मौला ऐसा नहीं बोले, लेकिन पड़ोसियों को उनको दुनिया को सबको हम बिठा के रखते हैं दिल में। दुनिया को, दोस्त को, बिजनेस को, कारोबार को, इधर उधर हम पता नहीं किधर चले जाते हैं। मौला आते हैं, हम किधर चले जाते हैं। एक दुआ में हमारा ध्यान नहीं लगता, पता नहीं किधर चले जाते हैं। हमारा दिल की हाजिरी पता नहीं क्या कहाँ होती है और आए हैं हम जमा खाने। आप चेक करो, आप अपने आप को रोको, इसमें से बाहर जाने से रोको, बाहर जाने से आप अंदर आओ। अंदर फिर सदर दिन यारा पढ़े रे कुरान, बाहर जावे ताको अंदर लाए। ये याली याली है ना, ये कुरान याद याद याद। फिर सदर दिन पढ़े रे कुरान, जरा बाहर जावे ना इनका ख्याल है नहीं। रू जो है बाहर जावे उसको अंदर लाते हैं, बाहर जावे ताको अंदर लाए। आप अंदर लाओ उसको, बाहर नहीं जाओ। आपकी दवाई आपके अंदर है, आपकी खुशी आपके अंदर है, आपकी सब कुछ आपके अंदर है। गट मैं नव खंड प्रोथ में, गट मैं केवल लाशा, गट मैं बाग लगाया बाबू, गट मैं सीते हारा, सब कुछ आपके अंदर। तो आप बाहर नहीं जाएं, अंदर जाएं। अंदर जाने के लिए ये मौला पैराग्राफ फरमाते हैं कि रात अने दिवस में बे त्रण कलाक जीव साथे वात मां रही, वातचीत मां रही, तेना ख्याल मां रहो। इतना दिवस तमारा दिल ने इबादत वगैरह बनाशो। इबादत हम नहीं करते, हम इबादत करते हैं लेकिन दिल को इबादत नहीं मिलती है। दिल हमारा इबादत में नहीं है। अगर दिल इबादत में होवे तो मौला बोले हाँ अभी आप इबादत करते हैं। श्री जन साल तोजा करती सिकरू लेकर दिल में, आप दिल में आ जाओ। निस्दिन जम भी है पिया करना, कि मैं तो 3 घंटे की अभी बात की मैंने, लेकिन यहाँ तो रूहानियत में इतनी गहराई बताते हैं कि निस दिन यानी रात दिन 24 घंटा ये कैसा हो गए, मेहनत से होता है। 24 घंटा हमारी सांस चलती है, हम सोए हुए हैं तो भी चलती है, बैठे हैं तो भी चलती है, बंदा रोजगार करते हैं तो भी चलती है, पढ़ते हैं तो भी चलती है। तो ये सांस खाली नहीं जावे, सांस के अंदर मौला का ख्याल से मौला का तस्वूर होना चाहिए। मौला ने फरमाया, अभी इन्होंने फरमान पहले पड़े, मौला ने फरमाया मेरा नाम लियो, याली नो नाम लियो, एटलू बस नहीं, पर इन्हें फॉर्म में लाओ। यानी आप ऐसा समझो कि मेरे पास है, मेरे सामने है, मैं नहीं देखता हूँ, मौला मेरे को देखता है, मेरे से अलग नहीं है, मेरे से दूर नहीं। इस तरह फॉर्म में लाओ, पर कोई आदमी हमारे सामने खड़ा है तो हम उसको देख सकते हैं। उस तरह आप हकीकत में दिल में यकीन करो कि मेरे पास ये चीज है, मेरे सामने है, मेरे अंदर है, मेरे से जरा भी दूर नहीं है, ऐसे काम में लाओ। तो यहाँ पीर फरमाते हैं कि निस्दिन जमती है पिया का नाम तेम तेम दिल ना रेखा। फिर आपको खातरी करनी है तो आपको पता चलेगा ये चीज मेरे अंदर आती जाती है, आती जाती है। तेम तेम दिल आवे थाम, दिल थाम मरने के बाद में आपको खुद को पता चले कि हाँ है सच्ची चीज। एक चीज आपने सच्ची प्योर ली है, प्योर उसका इस्तेमाल किया, आपने खाया, आपको पूछेंगे ये चीज बराबर आपने, हाँ आप कैसे बोलते हैं ये सही है, आपने इसको इस्तेमाल किया है, बोला हाँ।
मैंने खाई है, मैंने देखी है, मैंने इसका जो है जायका चखा है, जब ही मैं बोलता हूँ कि हाँ ये सही है, इस तरह से गवाही देते तो टेम टेम दिल आवे था, आपका दिल जो है वो कबूल करेगा। फिर फरमाते हैं कि आपका दिल तो पहले ये बात ख्याल आप उसका आपका उसमें जाएगा, इसके बाद आप उसकी जो उसमें ताकत आएगी तो क्या इसकी कंडीशन होगी कि हयात दिल की जिक्र पावे। एक जिंदा और एक मरा हुआ उसमें कितना फर्क है। एक आदमी में बिल्कुल ताकत नहीं है, चाहे चपची पानी के नहीं पी सकता है तो वो मरे हुए जैसा हुआ ना वो। तो एक कंची पानी की भी आप डालते जब ही वो पीता है, आज उस शख्स को आप देखोगे ये घूम कर खड़ा हो गया तो आप कितने खुश होंगे। वो ये तो कोई उम्मीद नहीं थी इसके चलने की और ये उठ सके, आज ये जिंदा हो गया। हयात दिल की जिक्र पावे, हयात हो गई, जिक्र जो करता है दिल मेरा, ये जिंदा हो गया, खड़ा हो गया, आप खुद देख सकते हैं। ये चीज सत्पन धर्म हकीकत नूरानी धर्म में मौला ने जन्म दिया है तो मौला नूर की बारिश बरसाता है, लेकिन मौला ने समय या तुम्हारा दिल नहीं सुस्ती थी। आ काम एवं छे मौला फरमाते कि नानू बच्चू पण करी सके छे, नानू बच्चू पण करी सके छे, पण फकत तुम्हारा दिल नहीं सुस्ती थी। तो यही जो है कि हम करे नहीं करे, करने जाते हैं तो इलम की रोशनी हट जाती है तो सुस्त हो जाती है। इलम आता है तो जागते हैं, इलम हटता है तो फिर सुस्त हो जाती है। तो इलम है वो हमको जगाता है, इलम छोड़ देते हैं तो फिर हम सुस्त हो जाते हैं। मौलाना फरमाया कि बेइल्मी के मराजिद है, मैं उसको हकीकत दे रहा हूँ, रूहानियत दे रहा हूँ, नूर का दरिया उसके सामने ला रहा हूँ, नूर का दरिया। कि बुंदू बुंदू दरिया में बुंदू बुंदू समाता, सब कोई देखा सब कोई कि दरिया में बारिश आती है वो कतरा कतरा गिरता है, सब सारी दुनिया देखती है, लेकिन हमारा मंजर ऐसा है कि समंदर में बुंदू माँ समंदर समाता देखा विरला। कि हमारा मजहब ऐसा है कि एक बुंदू के अंदर पूरा समंदर आता है, कतरे के पास समंदर आता है, क्योंकि मौला ने फरमाया कि जवाहिर माँ सागर माँ ऊंडू हो तो, अभी आपने पढ़ा ना जवाहिर माँ सागर माँ ऊंडे हतु तेने अमे काढ़ी एक कुंजा माँ बंद करेल। तमें इबादत करशो तो तमारा जल्दी तमारा हाथ में आवी जशे। जो इसमें आजम ये जवाहिर है, जो इसमें आजम असल जमाने में 17 साल तक रात दिन मेहनत करते थे, रात दिन मौला के घर की खिदमत करते थे 17 साल 21-21 साल, और उसमें भी जो पास होता था उसको इसमें आजम मिलता था। आज मौला जो है ये जवाहिर जो है मौला हमको सबकशीश देते हैं। और दूसरी कितनी रहमत है मौला ने बैतुल ख्याल के फरमान हम पढ़े उसमें है कि रात और दिन 21 वर्ष सुधी रात ने दिवस अखंड मेहनत करे इबादत करे जरे एक पल थाय छे, तो मौला ने फरमाया बैतुल ख्याल वालों को मैं बख्शीश देता हूँ। 21 साल रात और दिन आदमी कभी बदली जाए, जब एक फल होता है वो फल मौला फरमाते हैं हम आपको बख्शीश देते हैं। तो ये समंदर कतरे में आने के लिए मौला की ये इच्छा है, मौला की ये इच्छा है। मौला फरमाते हैं कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे जो 100-200 आदमी जो है नूर में वासिल हो जाए। बैतुल ख्याल के फरमान में हमें एम नहीं चाहता कि 100-200 मास हो, हमें तो चाहिए कि बदा हमारा नूर में आवी। यानी चांद रात के फरमान में मौला ने फरमाया कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी मुरीद दुनिया से गुनहगार होकर मरे, दुनिया में से पाक होकर
और मौलाना फरमाया बेस्ट में जाओ, आपको दीदार हो। मैं तब खुश हूँ कि मेरा मुरीद दुनिया में से कोई गुनहगार होकर न मरे। तो ये मौला का हम कहना नहीं माने तो कैसे ये चीज मिले। यहाँ फिर फरमाते कि हयात दिल की जिक्र पावे जिक्र मेरा अदका वादे जपनी कम न कर जो कोई। कभी आप जो बंदगी है कम नहीं कर तो जहाँ दिल तेरा जिंदा हो, क्या आपके दिल को जिंदा करना है और इसको तंदुरुस्त होकर और इसको जो चलते फिरते देखना है आपके अंदर, तो आप बंदगी कम नहीं कर। जब 3 घंटे की बंदगी आपकी हो जाए और उसमें आपको थोड़ा रस आवे, लिज्जत आवे, मजा आवे, तो फिर तो आपको ऐसा लगे ना कि और भी बढ़नी चाहिए। कराता मौला है लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए। मौला ने फरमाया कि दुनिया ने अक्ल की त्याग करूं जो ही। ऐसा नहीं है कि एकदम छलांग लगा दे, धंधा रोजगार बच्चे घर बार ये छोड़ दे, ऐसी बात नहीं। धंधा रोजगार पढ़ाई दुनिया का दुनिया की जगह पे है, हकीकत हकीकत की जगह पे, दीन दीन की जगह पे, दुनिया दुनिया की जगह पे। अक्ल की दुनिया ने त्याग करूं जो ही, यानी युक्ति से, ट्रिक से, कड़ा से अपने आप को दुनिया से अलग करो। जो बेग ली थी दुनिया ने त्याग कर सो तो तमारू थोड़ू ये मान के देपन चाली दी एम नहीं। ट्रिक से, तरीके से आप अपने आप को जुदा करेंगे। मैं ज्यादा टाइम जो है मेरे अंदर के लिए दूं, मेरे अपने लिए दूं। अब हमको समझ नहीं है तो जो जिसका कर्जा 2 आना है उसको 1 रुपया दे देते, जिसका 10,000 है उसको 2 लाख दे के आते हैं, जिसका 2 लाख है उसको 1,000 भी नहीं देते। क्योंकि इलम नहीं, इलम तो बताता है मौलाना को मैं इंसान जा रहे जन्मे से आर्थिक कर्ज लेने आ रहे, ये समझने की बात। अब आप कहेंगे इतना मासूम बच्चा जन्मा, 1 दिन का हुआ, पैदा हुआ, उसको क्या कर रहे हैं? कोई बड़ा आदमी है तो चलो ये बड़ा हो गया, किधर किसी को लिया, किसी को दिया, किसी को नहीं दिया, ये इसके ऊपर कर्जा होगा, बच्चे के ऊपर क्या कर्जा है? लेकिन मौला को पता है कि ये हमारा अगला पिछला कर्जा चलता पड़ा है, जहाँ हमारा लेन देन है वहाँ हमको जन्म मिलता है। तो उस घर में रहकर आपको कर्जा देना है, किसी को लेना है, किसी को देना है। उस घर में जो बच्चे हैं, 2 बच्चे सही हैं, 2 बच्चे सही नहीं है, तो उसका लेन है, वो लेनदार है, और 1-2 बच्चे अच्छे हैं वो देनदार हैं। और स्त्री मर्द में भी होता है, जो देनदार है वो आपकी अच्छी खिदमत करेंगे, जो लेनदार है वो उसको सताएगी। तो इलम हो तो आपको गुस्सा नहीं आवे, इलम हो तो आपके अंदर क्रोध और हसद और निंदा और गुस्सा जो पैदा हो वो नहीं हो। आप इलम से समझ जाएंगे, इलम से आप समझ जाएंगे। इस तरह से मौलाना फरमाया कि तो इंसान जा रहे जन्मे से प्यार की कर्ज लेने आवे, हजारों तरह ना कर्ज तमारा माटे छे, माटे तमे तमारो कर्ज अदा करो। ये कर्ज आपको अदा करना है, पर इसको मौलाना फरमाया ये छोटा कर्ज, ये छोटा कर्ज। यानी एक घर में समझो कि 2 लड़कियां एक माँ को सताती है और एक माँ के इशारे पे काम करती है, एक माँ का दिल खुश करती है, माँ उससे इतना खुश है, दूसरी लड़की का काम एक बता दो दूसरा रख दो, तो ऐसा रखो तो वैसा रखो, इलम नहीं होगा तो क्या होगा? माँ बोले ऐसी है ऐसी है, पैदा नहीं होती तो अच्छी होती, मर जाती तो अच्छी होती, पता नहीं क्या क्या गालियां भी देती, लेकिन उसको पता नहीं है ये क्या कर रहे। पहले सताया तुमने तो वो तो लेगी, इलम हो गए तो समझ जावे। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को तड़ी नहीं दे रहे या बच्चे को बोले नहीं, वो अपनी जगह से हिसाब से, लेकिन अंदर में समझ जावे कि ये देनदार ये देनदार। माटे तमें तमारू कर्ज अदा करो, पर मौलाना फरमाया ये तो सब लेन देन तुम्हारा दुनिया का है। दूसरा कर्जा कौन सा है? मोटू कर्ज ए छे कि तमें पाक अने साफ खाओ, ये तो छोटा कर्जा है। बड़ा कर्जा तो रूह का है, और पाक और साफ तो बंदगी के बगैर हो नहीं सकता। मोटू कर्ज ए छे
કે તમે પાક અને સાફ થાય. તો કોણ સા કરતા દાદા હમ દેતે દુનિયા મે હમ પૈદા હુએ તો દુનિયા કે અંદર કિતના ઘંટા હમ કામ કરતે સુબહ સે લેકે શામ તક. ફિર દુઆ કભી પડી તો મેં કભી નહીં કરતી, કોઈ દુઆ પે આયા તો કોઈ નહીં. ફિર રાત સોને મેં ચલી ગઈ યા એક ઘંટા હમને બંદી. तो कर्जा तो सिर्फ दुनिया का कितना है, रू का कितना है, ये हमको अंदाजा है इसका. एक हजार मांगता है उसको 10,000 दे के आते हो, 10,000 मांगता है उसको 10,00,000 दे के आते हो. क्यों इलम नहीं आपकी किताब में, आपने देखा नहीं कि किसके कितने पैसे निकलते हो. तो किताब खोल के देखेंगे तो पता चलेगा इसका 1,000 का 10,000 दे के आया, 1,00,000 था उसको 10,00,000 दे के आया. इलम नहीं होगा तो ऐसा करेंगे, इलम होगा तो आप जाएंगे उसके पास कि आपने मेरे से 10,000 क्यों लिए, आपका तो 1,000 है. तो वो तो यही बोलेगा कि भाई मैंने थोड़ी मांगा था, तो तुमने दिया है तो मैंने रख लिया. नहीं 1,000 है तो 1,000 लो, बाकी दो आप. इस तरह हमारी ये जो मोहब्बत है ना 6 और 3 9 पे, माँ बहन भाई बहन स्त्री बच्चा, अच्छा खाना अच्छा रहना और अच्छा पहनना. एक आप सूट पहन सकते हैं 500 रुपए का, बदन को ढकना है ना, 5,000 का सूट बना लिया, ये इतना कर रहा था इसका. एक बच्चे को हम, छोटा बच्चा है मसलन, यदि बिना दोषी टन पे पेशाब कर देगा तो खाना कर देगा, उसको एक 200 वाली चड्डी पहना दी, वो तो 2 मिनट में खराब कर देगा. इतना कर्जा था इसका. मौलाना फरमाया कि तुम्हें अक्कल हुशियारी थी, सावचेती थी और कर कसर थी. रहो इसमें मास्टर है शाह करीम आजम ने फरमाया कि तुम्हें कर कसर थी, अक्कल हुशियारी थी और सावचेती थी, रहो तुम्हारे ठाठ पाट भरू कि हमने ये जीवन जीव न जो है. ये न तो ये जो हमारे मजहब में न तुम्हारे बाप में दादों में परदादों में कोई के बात के अंदर ये बात नहीं है कि जिधर 5 रुपए की जरूरत है उधर 50 रुपये खर्च होता है, जिधर 50 की जरूरत है उधर 500 खर्च होता है. तो ये तो आपने कर्जा बढ़ाया तो फिर इसके लिए भागना भी दुनिया में पड़ेगा ना, भागना तो पड़ेगा दुनिया. तो जितना दुनिया में ज्यादा भागोगे तो रूह के लिए क्या करोगे. इलम में मौला ने ऐसी हकीकत समझाई है कि आप इलम पढ़ो, फरमान पढ़ो, इसमें सब चीज मौला ने दी है, हर चीज का बीमारी का भी है, सब कुछ है. 50% बीमारी कुदरत के तरफ से आती है और 50% बीमारी तुम्हारी भूल चुप से आती है. कुदरत के तरफ से जब 50% बीमारी आती है तो नियामत है, उससे तुम्हारे गुनाह माफ होते हैं, आपका रूप साफ होता है. लेकिन अपने तरफ से जो बीमारी आती है उससे गुना माफ नहीं है. और उसके कितने पैराग्राफ उसमें खुलासा है इसका. तो मकसद कहने का कि हमारा जो बड़ा कर्जा है वो रूह का है. 3 घंटे की इबादत से आप आगे जाएंगे तो और भी बढ़ेगी. और फिर सदर दिन माँ बाप ने जब देखा कि इतना बहुत कर्जा है रूह का, 16 घंटा इबादत करते थे, क्यों क्या जरूरत थी. 16 कला पेशी ने इबादत करता था, 16 कला हयात के अंदर हकीकत की हकीकत, उसकी हकीकत जो हम समझ नहीं सकते हैं वो भी समझते थे. वो यूनानों में तो रूहानियत की रूहानियत है, उसकी रूहानियत है, लेकिन इसकी भी गहराई जो है वो ऐसी है कि ये जबान बोल नहीं सकती, ये जबान बोल नहीं सकती. आपकी दिल समझता है, दिल की बात दिल जानता है. वो जो समझ सकते थे, जितनी जबान काम करती है उतनी तो समझाया, लेकिन हकीकत की हकीकत और थी. तो इतने घंटे इबादत की, क्या दुनिया उनकी चली गई उनके हाथ से, क्या उनकी दुनिया में बच्चे घर नहीं थे. दुनिया तो उसके पीछे आती है, दुनिया उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन ऐसा हकीकत है इंसान दुनिया को देखता भी नहीं. तो यहाँ मौला फरमाते हैं कि ये काम जो है आपको करना जरूरी है कि दिवस में 2-3 कलाक जीव साथ ख्याल में रही
તેની સાથે વાતચીતમાં રહો, કેટલા દિવસ તમારા દિલની ઇબાદત વગરનું રાખશો, ફિર અભી દેખો એક હકીકત ઓર ફરમાશે. મૌલાને ફરમાયા, જેમ મરઘી જમીન ઉપર માથું પટકે છે, અગર હમ સજદા કરતે હૈ ઓર સબ કુછ જાહેરી કરતે હૈ ના, યહાં હકીકત કી બાત આતી હૈ કે જેમ મરઘી જમીન ઉપર માથું પટકે છે તેમ કેટલા દિવસ તમે જમીન ઉપર માથું પટકતા રહેશો. એને ઇશારા દેતે કે કિતને સજદે કરો ગે, જમીન પર કિતને કરો ગે, મરઘી ભી ઇસ તરહ દાના ખાતી હૈ. અંદર સે આપ દેખો, આપકે અંદર સે કિસ તરહ દુઆ પડી જાતી હૈ, અંદર સે કિસ તરહ સજદા દિયા જાતા હૈ, અંદર સે કિસ તરહ ઇબાદત હોતી હૈ, વો દેખો અભી કે જેમ મરઘી જમીન ઉપર માથું પટકે છે તેમ કેટલા દિવસ તમે જમીન ઉપર માથું પટકતા રહેશો. તમે ઉપર જવાના ખ્યાલ રાખો, એ ખ્યાલ જો હૈ ના યે ઇતની બડી તાકત રખતી હૈ કે આપકો બહુત ઉપર લે જાયે. ઓર યે ખ્યાલ રાખો કે મેં ઉપર જાઉં, પોતાના રૂહનો ખ્યાલ આસમાન ઉપર જવાનો રાખો. જુઓ મુર્તઝા અલી ના સાહેબ સલમાન જેવા હતા, કે અબ મિસાલ દે કે સલમાન ફારસ જો થા વો ભી તો એક ઇન્સાન થા, ઓર વો ભી ઇસ્માઈલી નહીં થા, ફારસી થા, લેકિન ઉન્હોને મૌલા કે ફરમાન તો કેસે દિલ મે લે લિયા, કેસે દિલ મે બિઠા દિયા, ઓર કિસ તરહ લે લિયા. ઇસ્માઈલી મેં જન્મ નહીં થા, અગર ઇસ્માઈલી મેં જન્મ હોય તો પારસી મેં ઇસકી ઇતની ઇબાદત બન ગઈ હોય તો પારસી મેં જન્મ નહીં મિલે. લેકિન કુછ કમી થી ઇસીલિયે ઉસકો પારસી મેં જન્મ મિલા. લેકિન આપ સલમાન ફારસ હિસ્ટ્રી પડે કે વો ભલે પારસી મેં થા લેકિન ઉસકા રૂહ જો હૈ ને ઢૂંઢ રહા, કિતને ગુરુઓ કે પાસ ગયે, કિતને બડે બડે એસે ઇબાદતો કે પાસ ગયે કે મુજે રસ્તા બતાઓ, ઇતની ઇતની ઇલમી કિસ્મત થી, ઇતની મહેનત થી, બસ જો જો જીતના સમજતા થા ઉતના બતાએ. આખરી મેં એક ગુરુ ને બતાયા કે હમારે પાસ તો ઓર કુછ નહીં, હમ ખુદ નહીં સમજતે તો તુમકો ક્યા સમજાયે. પૈગંબર રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કી ઝૌરાત હોગી ઓર ઉનકા નામ મોહમ્મદ હોગા ઓર ઉસકે પાસ તુમ જાઓગે, વો તુમકો હકીકત બતાએ. જબ આખરી પૈગંબર ઝૌરાત હોતી હૈ ઓર સલમાન ફારસ જાતે હૈ, ફિર મૌલા મુર્તઝા અલી કી દોસ્તી હોતી હૈ. ઇસકી બડી હિસ્ટ્રી હૈ સલમાન ફારસ. સલમાન ફારસ કો એક મેં યે દાખલા એક કિતાબ મેં પઢા કે સલમાન ફારસ શહેર મેં સફાઈ કરતે થે, ખિદમત કરતે થે, મૌલા મુર્તઝા અલી ખજૂર ખાતે થે.